नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल AKS में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कीबोर्ड रहता है वो कैसे ओपन करें। तो आप चलिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको नॉर्मली सर्च करना है OSK ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा। थोड़ा वेट करिए, ये आ गया है। यहाँ पे आप कोई भी कीबोर्ड दाब सकते हैं। आपका कोई भी कीबोर्ड जैसे ख़राब है तो इसमें आप नॉर्मली दाब सकते हैं। जैसे ही टाइप करेंगे वो सिंबल आपका आ जाएगा। जैसे देखिए मैं वर्डपैड अभी ओपन कर रहा हूँ, तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। मैं फुल व्यू इस तरह नहीं किया हूँ क्योंकि आपको समझ में पूरा आए। तो देखिए कोई भी बटन मैं की प्रेस कर रहा हूँ तो वो हो रहा है नॉर्मली, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। मान के चलिए आपका कीबोर्ड ख़राब है, एक बटन के लिए आप मार्केट जाएंगे फिर नया पूरा कीबोर्ड लाएंगे, तो आप उससे बढ़िया आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रिक से आपको दो चीज़ें आसान हो जाएंगी। पहला, आपका कीबोर्ड लेना नहीं पड़ेगा, और दूसरा जो है आपको घर बैठे आपका पूरा काम हो जाएगा और आपका पैसा भी बच जाएगा। तो आप देखिए मैं जो टच कर रहा हूँ सभी वर्क कर रहे हैं, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।